मैं चलता हूँ, जलकर सरकार सुन ले, 60-40 मैं चलता हूँ, गुरु जी सुन ले, 60-40 मैं चलता हूँ। आज जलकर बंद है, बंद है, बंद है, आज जलकर बंद है, बंद है, बंद है, 60-40 मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन के द्वारा 2 दिन 10 और 11 जून को झारखंड बंद आहूत किया गया है। बंद के पहले दिन राज्य के कई जिलों में ये बंद प्रभावी नजर आया। ऐसे में पुलिस दूसरे दिन और अलर्ट मोड पर है ताकि बंद समर्थकों से निपटा जा सके। वहीं रांची के कोतवाली थाना पुलिस ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित उनके साथियों को फिर से डिटेन किया है, जिसके बाद जिला स्कूल से कोतवाली थाना पुलिस ले गई। रांची में 1500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास, मोरहाबादी मैदान और उसके आसपास इलाके में 2 दर्जन से अधिक अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा 2 ड्रोन कैमरा भी रखा गया है। अभी तक झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय कमेटी को मिली आंकड़ा के अनुसार कल 387 जगह बंदी के लिए धरने पर सड़क पर लोग उतरे, जिसमें छात्र के साथ उसके अभिभावक किसान मजदूर भी थे, और आज उससे भी और मैंने कम से कम आज 450 से प्लस अभी तक हैं। अभी जस्ट हम आ रहे हैं रांची जिला का ही गुंडू स्थित टोल प्लाजा गेट है, जो NH 33 रांची का झारखंड का लाइफ लाइन रोड है। उस पर कम से कम 40 किलोमीटर तक दोनों साइड पूरा गाड़ी जाम, सड़क पर पूरा एकदम धुआं 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 धुआं, और पूरे झारखंड जाम ऐसा है, जब घूम रहे हैं बंदी कराने के लिए तो दुकान इस कदर से लाइन से पूरा 100% बंद है, ऐसे लगता है कोई घर का संगमरमर का घर को अगर पोंछा लगाते हैं कोई केमिकल से तो चक 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 चमकता है पूरा साफ, वैसे ही पूरा सन्नाटा एकदम पूरा साफ। हम आश्चर्य कर रहे हैं कि एक आह्वान पे लोग स्वेच्छा से बंदी कराने उतर रहे हैं और लोग से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब हेमंत सोरेन जी को तय करना है कि हम लोग को और कितना दिन तक सड़क पे देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं हम अपना कमर पे कफन बांध के निकले हैं, काहे कि सर को घर पे छोड़ के निकले हैं, सर को घर पे छोड़ के आए हैं कमर पे कफन बांध के, इसलिए कि ये सरकार 60-40 का चलते बोल रही है, और 60-40 चलते अगर तो ये राज्य का गठन क्यों होगा, क्यों हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं। और हम लोग पूरे झारखंड इतना इसीलिए कर रहे हैं जी जान लगा के हर रिस्क लेकर के, चूंकि कल का भविष्य अच्छा हो, जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ है वो उद्देश्य हो पूरा हो, उस उद्देश्य का झारखंड बने। इसीलिए जो हम लोग का बंदी का पहला दिन दूसरा दिन बहुत ऐतिहासिक सफल रहा, कई जगह पुलिस प्रशासन से बहुत सहयोग भी मिला, वैसे प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन बहुत टॉर्चर भी किया, परेशान भी किया, लाठी चार्ज किया, डराया, धमकाया, लेकिन इस बार पुलिस का ताकत जो झारखंड के बुजुर्ग आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद के सामने, नौजवान के ताकत के सामने पुलिस का ताकत कमजोर पड़ गया। अरे के बंदी तो आपने 2 दिन का किया, बहुत अच्छा था। बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग फंस चुका है, 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायक ने लिख दिया है, और इसको लेकर के जो दस्तावेज हम लोग के पास आया है, आज मुहिम जो 10 मई से 11 जून 31 दिवसीय मुहिम का आज अंतिम दिन है, चौथा चरण का। इसके बाद हम लोग ऑफिशियली, पहले तो हम लोग महामहिम माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष जो बहुमत प्राप्त हुआ है उस बहुमत को सिद्ध करेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को सौंपेंगे, और जरूरत पड़े तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, और वह जो दस्तावेज है वह महज कागज का टुकड़ा नहीं, इस झारखंड का आत्मा है, दिल का धड़कन है, और निश्चित ही जो ऐतिहासिक झारखंड बनने के बाद इस 23 साल का झारखंड में लगातार 2 दिन बंदी आज तक नहीं हुआ था, 31 दिवसीय प्रोग्राम पूरे भारत वर्ष में आज तक नहीं हुआ था, लिखित रूप से जो हम लोग लिए ऐसा नहीं होता, यह भारत का आंदोलन का इतिहास का नया अध्याय है, और मात्र एक आह्वान पे जिस चट्टानी तक सभी समाज के लोग, मैंने पूरे आदिवासी मूलवासी सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग सभी समाज के लोग एकता का परिचय दे रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले दिनों पे
हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन इतना लंबा लड़ाई लड़के छोड़ेंगे नहीं। अगर हम हेमंत सोरेन जी हमारी मांग पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग उसको मजबूरन करेंगे और उसको वाइट होके हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार के साथ, अपने बीबी बच्चे के साथ बाय धोके उसको अपना ससुराल उड़ीसा जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कल क्योंकि आने वाला भविष्य बेहतर हो। यह जो विज्ञापन निकल रहा है उस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। झारखंड शब्द का जिक्र नहीं मतलब झारखंडियों का कोई काम का नहीं। अभी जेएसएससी का वैकेंसी निकला है उसमें बिल्कुल उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो बी एलिजिबल। तो बताइए राज्य के गठन क्यों हुआ था? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, सांसद, बॉडीगार्ड का फैसिलिटी, गाड़ी घोड़ा का फैसिलिटी, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम के लिए? नहीं, इस राज्य का गठन यहाँ के तमाम गरीब किसान मजदूर जो खेत खलिहान में काम करते हैं, ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं, उनके बच्चे का भविष्य के लिए बना है। और हम लोग इससे समझौता नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।